कभी कभार दोस्तों खुशियां ऐसी होती हैं कि वो बिन बुलाए आ जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, और खुशियां आपके दरवाजे पे नॉक नॉक कर रही होती हैं, यानी कि दस्तक दे रही होती हैं। अब ऐसे में बात करें आरके वी की, यानी कि राहुल कृष्ण वैद्य की, तो आज राहुल के लिए ट्रिपल सेलिब्रेशन का दिन है। आपको बताना चाहता हूँ, राहुल वैद्य को मिली है 3 बड़ी खुशखबरियां। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो मेरी जान, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। राहुल कृष्ण वैद्य की इस ट्रिपल सेलिब्रेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो 3 बड़ी खुशियां मिली है, एक ट्विटर से, एक इंस्टाग्राम से और एक यूट्यूब से। यूट्यूब पे रिसेंटली अली अली जो सॉन्ग आया है उसने तो अलग ही धमाल मचा रखा है। प्लस इंस्टाग्राम पे राहुल जो है खतरों के खिलाड़ी की अपडेट्स देते रहते हैं, और ट्विटर पे भी राहुल कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बिग बॉस सीजन 14 से हीरो बने राहुल वैद्य की अगर बात करें दोस्तों, तो उनके लिए ये ट्रिपल सेलिब्रेशन का मौका है। ट्विटर पे उनके 200K फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं, इंस्टाग्राम पे 1.7 मिलियन हो गए हैं राहुल के, और यूट्यूब की अगर बात करें तो इट्स 800K। तो जल्द ही राहुल 1 मिलियन का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, तो यहां पर राहुल ने फैंस को शुक्रिया अदा कहा है और कहा है कि माय आरकेवियंस एंड एवरीवन एल्स, थैंक यू सो मच। सो राहुल कृष्ण वैद्य तो दोस्तों इस वक्त पार्टी के मूड में, और मुझे लगता है वो पारी भी करेंगे जिस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, हाय गाइस ये मैं हूँ, ये मेरे घर है, पार्टी हो रही है। सो वैसा ही राहुल वैद्य जो है पार्टी करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या है कहना, क्या आप राहुल वैद्य को इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, और कांग्रेचुलेशन भी बोल सकते हैं आप उसे। और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, मुझे इजाजत दें।